नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे आज एचसीसी के बारे में दोस्तों, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यहां पे 27 सितंबर 2024 की खबर निकल के सामने यहां पे आ रही है। एक छोटी सी खबर है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कई दिन से इसको मैं कवर भी नहीं कर रहा था। जिन भी स्टॉक को अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, सबको एक एक मतलब बार कवर करते, एक एक वीडियो सबकी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 42 रुपये 60 पैसे पे इसने अपना क्लोजिंग दिया है। कल जो है 0.25% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है। वॉल्यूम ठीक ठाक ट्रेड हुआ है, 1.1 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है। टोटल 1 करोड़ 10 लाख 12 लाख इक्विटी से ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू की बात करेंगे तो 48 करोड़ रुपये के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और डिलीवरी परसेंटेज भी सेम उतना ही आ रहा है, 48% के आसपास का इसका डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। 20% का इसका सर्किट लिमिट है, तो कभी भी ऊपर या नीचे की साइड में ब्लास्ट कर सकता है। बड़ा सर्किट लिमिट का यही होता है, दिक्कत होता है। छोटे सर्किट लिमिट हो ना, थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन बड़ा सर्किट लिमिट है तो ऊपर नीचे दोनों साइड में सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी एक जो है बड़ा सा जो है मोमेंटम आ सकता है। अब देखिए, बात करेंगे इसमें न्यूज क्या आई है, तो न्यूज देखिए कुछ खास नई न्यूज आई है। वही इंटीमेशन ऑफ क्लोजर टू क्लोजर ऑफ जो है ट्रेडिंग विंडो, तो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग से रिलेटेड एक अपडेट छोटा सा इसका आया है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग कंपनी का जब रिजल्ट आता है तो उसका फायदा न उठा पाए। इसके लिए सेबी का एक रूल है कि जब भी किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट आना होता है और वो क्वार्टर क्वार्टर एंड होता है, तो उस क्वार्टर के एंड होने के बाद जो है इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। इसीलिए सारी की सारी कंपनियां जो है ये अपडेट देती हैं अपने तरफ से। तो यही कंपनी कह रही है कि 1 अक्टूबर 2024 से हम जो है अपने जो है प्रमोटर और एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग में आते हैं, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग जो पद पे बैठे हुए हैं, उन सब, जब तक इसका अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है सितंबर वाले क्वार्टर का आ नहीं जाता, और उसके आने के 48 घंटे के बाद ही ये जो है इनसाइडर ट्रेडिंग फिर से चालू होगी। तो इसको देख लीजिएगा, शेयर थोड़ा सा प्रेशर में है। अभी देखेंगे 1 वीक में 1% डाउन है, 1 महीने में 10% और 3 महीने में 11%। मतलब अगर अभी अभी आप लोग कहीं पे एंट्री लिए हो 1 महीने पहले या 3 महीने पहले, और अच्छे से लेवल पे अगर आप लोग नहीं लिए हो, तो आप लोगों को अच्छा खासा लॉस हो रहा है। वहीं पे बात करेंगे 1 साल में 50% का और पूरे 52 वीक में 53% का रिटर्न इसने दिया है। हालांकि अगर बहुत लंबा जाएंगे 3 साल, तो 3 गुना का रिटर्न भी दिया है इस परिस्थिति में आने के बावजूद भी। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास इसमें एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होता है। कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी देखिए हम लोगों को ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है। रेवेन्यू इसका स्टेबल है, कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है 2024 में। तो देखेंगे, अगर बढ़िया कंडीशन बनती है तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन फिलहाल में थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत है। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग तो पहले 18.5% है, यही निगेटिव बात है, और उसके बाद जो है प्रमोटर का प्लेज भी 76-77% है। हालांकि एक चीज़ इसमें भी हम लोग पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं कि पहले 85% प्लेज था, अब जो है यहाँ पे 76% ही प्लेज है। तो मतलब प्लेज थोड़ा सा जो है निकल रहा है। 10% इसमें FII की होल्डिंग है और 7% 6.5% DIH की होल्डिंग भी है। तो इसमें भी आप लोग पॉजिटिव निगेटिव अपने हिसाब से खोज सकते हो। FII की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और इस सितंबर वाले क्वार्टर का भी जब आएगा तो बताऊंगा, और वहीं पर DIH की होल्डिंग जो है लगातार घट रही है। अब देखिए, बात करेंगे अगर इसके चार्ट की, तो चार्ट पे अभी थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है दिक्कत है, क्योंकि इसमें एक देखिए, कोई भी मूविंग एवरेज छोटा बड़ा नहीं होता है वैसे। हालांकि पीरियड के हिसाब से 20 डे में 50 डे में 100 200 जितना मूविंग एवरेज बड़ा वो उतने दिन का पावर लेके खड़ा होता है। तो अभी जो है 100 डे मूविंग एवरेज को 20 डे में ने ब्रेक किया है, और अभी अभी ऊपर देखे थे आप लोग, तो जो मेसी हम लोगों को सिखाया जाता है कि जब 50 डे में जो है लेवल को जो है 50 डे में मूविंग एवरेज को 20 डे में ब्रेक करता है, तो वहां से एक जो है निगेटिव क्रॉस ओवर होता है। और वही चीज देखिए, 20 डे में फिर जो है यहाँ पे आके 100 डे में को भी ब्रेक कर दी, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट होता है। जब जब भी कोई शेयर एक जगह पे क्रॉस करता है, मतलब मूविंग एवरेज एक जगह पे क्रॉस करते हैं, अगर नीचे हो तो सपोर्ट और ऊपर हो तो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब देखिए एकदम एकदम ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ये आ रहा था 50 डे में मूविंग इस तरह से जा रहा था, और यहाँ पे आया 20 डे में मूविंग, एक दूसरे को क्रॉस किया। अब ये पॉइंट बन गया एक रेजिस्टेंस का लेवल जो 50 रुपये, और देखिए जस्ट वहीं से नीचे की साइड में आया था और रिटेस किया, और वहीं से गिरावट आई है।
समझ सकते हो, 50 रुपये का एकदम एग्जैक्ट वही वाला लेवल लेके गिरावट किया। वही चीज़ यहाँ पे सेम देखिए, अभी फिर से यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो ना कि ये कैंडल वो कैंडल दुनिया भर का, वो नहीं पढ़ना है आपको। हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री कुछ अलग ढंग से पढ़िए ना। अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या किया, यहाँ पे 100 DMA मूविंग एवरेज आ रहा है, आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे 20 DMA मूविंग एवरेज से ऊपर की साइड में आया तो यहाँ पे क्रॉस किया तो ये रेजिस्टेंस, और सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी क्रॉस किया इस तरह से, ठीक है ना, एक एक्स बन जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे भी देखिए नीचे की साइड में आया था और वहीं लेवल टच किया और वहीं से फिर से गिरावट आ रही है। मतलब वो भी अभी एक पॉइंट यहाँ पे भी एक जो है रेजिस्टेंस अब बन रहा है। मतलब अब क्या था, पहले ये हम लोगों का सपोर्ट था, जो मैं आपको बार बार नहीं बोल रहा था कि 44 रुपये के सपोर्ट पे, हर सपोर्ट पे आप खरीदारी करिए और इसमें जो है तेजी आने की संभावना है। अब वही सपोर्ट पहले था भी और वही चीज़ रेजिस्टेंस, मतलब मूविंग एवरेज भी हम लोगों को इंडिकेशन दे दिया कि रेजिस्टेंस बन गया, और कैंडलस्टिक के आधार पे तो पहले से सपोर्ट था ही। हालांकि कैंडलस्टिक ने क्लियर नहीं किया था कि यहीं, क्योंकि कभी यहाँ पे जा रहा था, कहीं पे यहाँ पे आ रहा था, कहीं बीच में आ रहा था, तो वो क्लियर नहीं करता है कि नहीं कहाँ पे एक्चुअल सपोर्ट है या एक्चुअल रेजिस्टेंस है इस तरह से। अब ये क्लियर कर, हालांकि दोनों ये टोटल ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो ये एक सपोर्ट जोन भी यहाँ पे, मतलब एक जोन भी बन जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है देखते हैं। मेरा भी उसमें स्लाइडली थोड़ा सा निगेटिव रहेगा, हालांकि जो लोग पहले से पोजीशन बनाए हैं उनको पहले तो मैं 41 साढ़े 41 रुपये का सपोर्ट बताया था, स्टॉप लॉस बताया था, जो कि लगभग लगभग हिट होने ही वाला है। तो अगर आप लोग यही वाला स्टॉप लॉस 41.5 रुपये वाले ही फॉलो किए थे तो 41 रुपये के नीचे अगर डेली कैंडल आती है तो ईमानदारी से एक बार जो है आप लॉस लेके निकल जाइएगा, भले ही मैं ही बताया हूँ, कोई बताया हो, 1.5 रुपये, दो डेढ़ नहीं 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस था तो हिट हो गया है, तो कोई बात नहीं है। देखिए मेरा एक चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ पे सुपर स्टॉक एडवाइजर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं फ्री में कुछ जो है यहाँ पे चार्ट देते रहता हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हो। कुछ लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट वीडियो के लिंक मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हो। नहीं तो अगर आपको मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए एक रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आया है जुड़ने के लिए, किसी ने पेमेंट किया होगा, तो प्राइवेट भी जुड़ सकते हो, तो उसमें मैं बताता हूँ, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है आप लोगों को, तो चाहो तो आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से है, देखिए अभी मुझे स्लाइडली, देखिए अभी स्टॉप लॉस जो 41.5 का फॉलो किए हैं वो लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना, बाकी स्लाइडली मुझे थोड़ा सा इसमें निगेटिव व्यू अभी रखना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें तेजी आने की संभावना बहुत बहुत कम हो चुकी है, अगर ये गिरता नहीं है तो यहीं पे सस्टेन कर जाएगा और यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज का मतलब यहीं पे ऐसे 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 करके साइडवेज हो जाएगा, एक चीज़ ये कर सकता है, या फिर स्लाइडली थोड़ा बहुत गिरावट फिर से आ सकती है इसमें, और 36 रुपये 37 रुपये तक का लेवल नीचे की साइड में टच करने के लिए जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे होती है। देखिए चार शेयर में जब कवर करता हूँ ना तो उतना डिटेल में समझा नहीं पाता हूँ, इसीलिए अलग वीडियो बनाना पड़ जाएगा। लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। बाकी बात करेंगे, कोई न्यूज आएगी तो मैं बताऊंगा आपको।